हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वागत मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बनाएंगे झटपट से तैयार होने वाले और शानदार चिकन यखनी पुलाव। कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए बने रहिए स्वाद के सफर में। यखनी पुलाव के लिए हम बनाएंगे एक खुशबूदार मसाला, जिसके लिए लिया है मैंने धनिया, सौंफ, काली मिर्च, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। इसको हम दरदरा पीस लेंगे। मसाला बनकर तैयार है, तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तेल को गर्म करते हुए अब हम बनाएंगे बरिस्ता, जिसके लिए लिए मैंने दो प्याज, जिसको फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को हम हाई हीट पर फ्राई कर लेंगे। जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका सुनहरा कलर ना आ जाए। प्याज का कलर बदलना स्टार्ट हो गया, तो अब हम इस पॉइंट पे थोड़ी सी प्याज निकालेंगे गार्निशिंग के लिए। अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हाई हीट पर तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन में डालेंगे खड़े मसाले, साथ ही डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। चिकन में डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। दही फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 टमाटर। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। दही, टमाटर और मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम कर देंगे इसको कवर और लो हीट पर तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन को अपने जूसेस में ही कुक होने दीजिए। चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए कवर हटाते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। चिकन अपने ही जूसेस में तकरीबन 60-70% कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सोखे हुए चावल। चावल के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। 1 कप चावल के लिए हम इसमें 1.5 कप पानी का यूज करेंगे। पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी को मिक्स करने के बाद में अब हम गैस फ्लेम कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉईल आ गया, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, और इसी के साथ ऐड करेंगे हम लेमन के स्लाइसेस। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चावल के हिसाब से हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी रिड्यूस हो चुका है, तो अब हम इस पॉइंट पर डालेंगे इसमें खुशबूदार मसाला। मसाले को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये खुशबूदार मसाला इस पुलाव की जान है। सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम कर देंगे इसको कवर और लो हीट पर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। पुलाव को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको रख देंगे दम पर। तकरीबन 10 मिनट तक के दम पर रखने के बाद में हम इसको ओपन करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दम में रखे हुए, तो अब हम पुलाव के दम को ओपन करते हैं। वाओ, व्हाट अ लुक, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लुक एट इट। यखनी पुलाव की गार्निश करेंगे हम बरिस्ते के साथ में। हाँ जी मेरे स्वाद के मित्रों, ये देखिए शानदार यखनी पुलाव बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं।